करंट अफेयर्स मॉर्निंग में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड वीकली इन द फॉर्म ऑफ योर रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो एंड इस तरीके की रिवीजन की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो शुरू करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रिसेंटली लॉन्च विच अमंग द फॉलोइंग। ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे, काफ़ी फ्रेंडली वे में करेंगे ताकि आप खुद भी गैस करें एंड मैं आपको बताते भी चलूँ। एट द एंड आई वॉन्ट कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएँ एंड करंट अफेयर में कोई दिक्कत ना आए। सो अभी रिसेंटली ये सारे रिसेंटली लॉन्च किए गए, समाधान चैलेंज भी लॉन्च किया गया जिसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को इनक्रेज करने के लिए न्यू डिस्कवरीज करो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन समाधान चैलेंज, देन उसके साथ साथ भारत पढ़े ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसको और बेटर करने के लिए वेब पोर्टल युक्ति, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसके फुल फॉर्म याद रखना। सक्षम पोर्टल भी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था डिफरेंटली एबल्ड को एम्पावर करने के लिए, वो आप याद रखेंगे। एंड अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया जी ऑल ऑफ दिस, ये रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए गए। मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक इज द करेक्ट आंसर, जो हमारे मिनिस्टर हैं एचआरडी मिनिस्टर। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कौन सी है? हरिद्वार उत्तराखंड। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। सो कितना एस्टिमेट लगाया है वर्ल्ड बैंक ने? 2.8%। अभी रिसेंटली जो एस्टिमेट्स हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे कम अभी तक जो लगाया है वो एसबीआई द्वारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 1.1%। ओके, देन उसके बाद गोल्डमैन सैक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.6% याद रखना है। देन उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग 1.9%, 2.5% अकॉर्डिंग टू मोदी, देन उसके बाद 2.8% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ओके 4% अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड 4.8% अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। ओके, तो ये पांच छह हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ओके ओके, आज अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इसे जितना हो सके शेयर करना, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वायरी रहती है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ओके, सो आप थोड़े जल्दी भी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना बने एंड विद इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम आपका ये कवर हो जाए। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया जाता है हर साल? लाइक यूरी गैगरिन जो फर्स्ट बने थे जो स्पेस में जाने वाले, सो करेक्ट आंसर होगा इसका 12 अप्रैल। ओके, 12 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू कोविड-19 रोजर कप इसे पोस्टपोन कर दिया गया। इट इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते रिलेट करता है ये? टेनिस का। ओके, देखो आज रिवीजन है तो मैं सारी चीज़ें डिटेल नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप की? विद ICICI लोम्बार्ड एंड गो डिजिट इन जनरल इंश्योरेंस, दो इंश्योरेंस के साथ पार्टनर, मतलब दो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ इंश्योरेंस लाइक पार्टनरशिप की है एंड दो इंश्योरेंस लॉन्च किए गए, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO कौन है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज भार्गव दास गुप्ता एंड दो इंश्योरेंस COVID-19 प्रोटेक्शन कवर बाय ICICI लोम्बार्ड एंड डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस बाय डिजिट इंश्योरेंस, सो दो इंश्योरेंस हैं। ओके, सो विच इंडियन स्टेट पब्लिक यूनियन टेरिटरी लॉन्च मोबाइल ऐप नाडी? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री वेलू नारायण स्वामी एंड वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी किरण बेदी जी। ओके, भारत बायोटेक विद द पार्टनरशिप विद US बेस्ड फ्लूगन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन मेडिसिन टू डेवलप इट वैक्सीन नेम्ड कोरोफ्लू, तो वैक्सीन बनाएंगे। सो इसमें आपको ये बताना है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ भारत बायोटेक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णन EM इला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोब्रांड बुक द वेनगार्ड सीरीज, इसको अभी season 1 लॉन्च किया गया। दिस वॉज को थ्राइज बाय वेल्से किंग, इनकी डेथ हो गई थी 26 जनवरी 2020 में हेलीकॉप्टर क्रैश में, इनकी डॉटर भी साथ में थी 13 साल की। कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच कंट्री सरपास US एज अ टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन? सो US को इसने लाइक क्रॉस कर लिया एंड पेटेंट एप्लीकेशन में के लिए कैटेगरी में, सो द करेंट कंट्रीज
चाइना। ओके देखो, अब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने बैठा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया हो जाएगा, तो डेली करंट अफेयर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखना स्टार्ट किया वो ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। गूगल एंड किसने आपस में हाथ मिला लिए, लाइक टू फाइट विद COVID-19 थ्रू कंटैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू हेल्प गवर्नमेंट। सो गूगल एंड एप्पल ने हाथ आपस में समझौता किया। दरबार मूव कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट में इस बारी नहीं होगा या फिर यूनियन टेरिटरी में। दरबार मूव यानी कि सिविल सेक्रेटरी 6 महीने जम्मू में काम करता है, 6 महीने श्रीनगर में काम करता है, राइट नाउ जम्मू में काम कर रहा था, ड्यू टू COVID-19 इस बारी ये मूव नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड IIT बॉम्बे को फंड करेगी टू डेवलप जेल फॉर नेसल पैसेज, लाइक जो एक जेल बनाएगा जो एंट्री ऑफ कोरोना वायरस को रोकेगा। सो ये मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड रिसर्च, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आती है जिसके मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने 12 मेंबर टीम बनाई, एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ एडवाइजरी टीम, तो एक मेंबर हमारे इंडियन भी हैं जिनको इंक्लूड किया गया अमंग 12 मेंबर्स, तो ये हमारे 23rd RBI के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन। प्रसार भारती ने एक न्यू चैनल लॉन्च किया था, आपको बताना है इसका नाम क्या, इस चैनल का नाम क्या था। चैनल का नाम है DD रेट्रो। इसमें जितने भी पुराने प्रोग्राम्स लाइक रामायण महाभारत उसके बाद शक्तिमान सारे आएंगे वापस फिर से देख सकते हो। ओके, सो इसके CEO कौन है, शशि एस वेम्पति इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चैनल का नाम DD रेट्रो। ओके, आरोग्य सेतु ऐप आप सब लोगों ने डाउनलोड की है, अब इसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी किसी स्टेट ने लॉन्च किया ताकि वहाँ के सिटीजन्स काफ़ी ईजिली एसेस कर पाएँ। सो द स्टेट इज़ तमिलनाडु। ओके, संजय अग्रवाल किसे इनको रीअपॉइंट किया गया, MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द करेक्ट आंसर, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में। ओके, रिफत चौधरी जी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ही वॉज अ फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्टर जाने जाते थे, इनको जाना जाता था। सो करेक्ट आंसर इज इराक। ओके, महाबलेश्वर MS हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो 3 साल के लिए इनको बना दिया गया महाबलेश्वर MS को MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। ओके, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज सेलिब्रेटेड प्ले ट्रू डे ऑन विच डे टू प्रमोट फेयर प्ले, कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, करेक्ट आंसर इज 9 अप्रैल। ओके, हेडक्वार्टर्स एंटी डोपिंग एजेंसी की मॉन्ट्रल कैनेडा। ओके, चाइना ने हमारे किसी बैंक पे अराउंड 1.01% स्टेक खरीदा है, तो बताना कौन सा बैंक से। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। Which Indian state has become the first state to integrate allopathy and Ayurveda to treat COVID-19 patient? And you know, इसके अच्छे result मिले हैं, गोवा इस time free हो चुका है from COVID-19, 7 patient थे, 7 के 7 को recover कर चुका है, so गोवा is the correct answer. Basic details, F1 racer Sir Stirling Moss, इनका निधन हो गया, so he belongs from which country? He belongs to which country? He is from United Kingdom. Okay, Lewis Hamilton भी UK के ही हैं। Okay, Mercedes driver. International Monetary Fund ने कितना projection लगाया for the year, financial year 2021? So the correct answer is 1.9%, revise करवा चुका हूँ। अंबेडकर जयंती 14th अप्रैल को ऑब्जर्व की जाती है। डॉक्टर BR अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कब इनका लाइक जन्म कब हुआ था एंड कौन सी इंडियन स्टेट में हुआ था। ओके, तो ये इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश मोह विलेज में। रिसेंटली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हैज़ बिगन द फर्स्ट टू इंस्टॉल वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। सो आपको ये बताना कि ये अहमदाबाद स्टेशन कौन सी रेलवे के अंडर आता है, तो ये आता है जी वेस्टर्न रेलवे के अंडर। ओके, याद रखिएगा, जिसके हेडक्वार्टर्स चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में। अशोक देसाई, इनका निधन हो गया, ये कौन थे जी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ आवर कंट्री। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, कब से कब इन्होंने सर्व किया था, 1996 से लेकर 1998 तक, प्रेजेंटली के वेणुगोपाल राय हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे डेवलप ए स्मार्ट स्टेथोस्कोप
लाइक डिस्टेंस से भी आपकी हेयर बीट सुन सकता है स्मार्ट स्टेटोस्कोप। सो इस डायरेक्टर जनरल कौन है IIT बॉम्बे के, ये आपके पूछ रहा है। ओके सो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर सुभाषिस चौधरी इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग मैसेकर को 100 साल नहीं ज़्यादा हो चुके हैं। ओके 13 अप्रैल को पूछ रहा है कि कितने साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो ये 101 साल हो चुके हैं 2020 में, यानी कि इस ईयर 101 साल हो गए। ओके जनरल डायर ने जब लाइक ऑर्डर दिए थे तो गोलियां चलाई गई थी, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे, बेकसूर लोग। वर्ल्ड चगाज डिजीज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 14 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ओके अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस इस नाम से जाना जाता है। द डिजीज़ कॉज्ड बाय, ये इसके रिलेटेड ही है। ओके द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप ए चेन ऑफ 20 लाख रिटेल शॉप्स विच विल बी कॉल्ड एज, तो किस नाम से रिटेल शॉप की जो स्पेशल चेन लॉन्च की जाएगी, सो इट विल बी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुरक्षा स्टोर्स। ओके लाइक सैनिटाइज स्टोर्स रिटेल शॉप्स जो इस नाम से जाने जाएंगे। ओके स्वास्थ्य के सिपाही के तहत आपको ऑनलाइन लाइक आप डिलीवरी एसेंशियल सर्विसेज की ले सकते हो। ओके वो आपको याद रखना है। कुछ ओबिचरीज में कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर, इनका नाम याद रखना है, एम के अर्जुना, ही वॉज द फेमस मलयालम सिंगिंग सिंगर थे। नोबो ओबाशाई नोड फिल्म मेकर ऑफ जापान एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर MV राजशेखरन, इनका भी निधन हो गया, कांग्रेस के लीडर थे। विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2020, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, सो दिस विल बी होस्टेड बाय आवर कंट्री इंडिया एंड कब होस्ट करेगा, ये नवंबर दिसंबर मंथ में होंगे। ओके अब्दुल मजीद हु वॉज हैंग्ड बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट वॉज अ किलर ऑफ विच फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट प्रेजिडेंट जो बांग्लादेश के थे उनके हत्यारे, शेख मुजीबुर रहमान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीरूपक्षा मिश्रा हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक, सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली एम्स हैज सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऋषिकेश इन उत्तराखंड। यू हैव टू आंसर हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो डायरेक्टर जनरल हैं प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया। द साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, मैं बता चुका हूँ, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन लगाया कि हमारा इंडिया यानी कि इंडिया ग्रो करेगा फ्रॉम 1.5% टू 2.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। प्रेजिडेंट कौन है, एग्जैक्टली डेविड मालपास। विच इंडिया स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग फॉर COVID-19 पेशेंट्स, सो फर्स्ट स्टेट जो बना उत्तर प्रदेश। इंडियन आर्मी ऑब्जर्व 36 सेशन डे ऑन विच डे, ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, जो भी डिस्प्यूटेड रीजन था सेचेन का पाकिस्तान से हमने रिकैप्चर किया था, 36 साल पूरे हो गए जी इस चीज़ को, सो 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। ओके सेशन डे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज सेट अप ए क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स, सो इट वॉज सेटअप बाय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। टूर दे फ्रांस हैज़ बिन पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19, दिस टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, सो काफ़ी बड़ा साइकिलिंग टूर्नामेंट होता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड #, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इज प्रहलाद सिंह पटेल। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्रीज COVID-19 पैकेज टू $20 billion, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, काफ़ी ईजी आप सबके लिए, मजाद सागू असाकावा इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन 15 अप्रैल टू प्रमोट द आर्ट, द दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जी, लियोनार्डो डी विंसी। ओके मोनोलिजा की पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई है। ओके एक हाफ पोर्ट्रेट है जो मोनोलिजा का। विच इंडियन स्टेट हैज़ एम्प्लॉय कोबोट रोबोटिक्स टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स, ओके सो दिस वॉज रिसेंटली डिप्लॉयड बाय झारखंड। राजस्थान में भी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल में भी रोबोट की हेल्प ली जा रही है। ओके क्योस्क कोवासैक किसके द्वारा बनाया गया फॉर सैम्पल कलेक्शन, सो दिस वॉज डेवलप्ड बाय DRDO।
स्विस हॉकी प्लेयर स्विट्जरलैंड के रोजर चैपॉट एंड फॉर्मर प्रो गोल्फर डाउ सैंड्रस डॉग सैंड्रस इन अमेरिका के इनका निधन हो गया. ओके इट्स ऑल्सो नोन एज द पीकॉक ऑफ फेयरवेज, ये याद रखिएगा. विस्टेड लॉन्च द फर्स्ट लाइक हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. सो द करेक्ट आंसर इज मणिपुर. ओके फूड बैंक भी लॉन्च किया गया बाय मणिपुर गवर्नमेंट, ये भी याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द स्प्रे बेस्ड कोटिंग फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर हेल्थ वर्कर्स, यानी कि एक स्प्रे बेस्ड कोटिंग होगी लाइक जो वो पहनते हैं लाइक पीपीई किट्स, लाइक जो प्रोटेक्टिव सूट्स होते हैं तो उन पे स्प्रे करके उनसे बचा जा सकता है इन्फेक्शन से. सो दिस वॉज डेवलप्ड बाय IIT गुवाहाटी आसाम में है. ओके गूगल पे हैज़ स्टार्टेड नियर बाय स्पॉट टू हेल्प यूजर्स टू फाइंड लोकल स्टोर फॉर एसेंशियल आइटम्स. सो गूगल पे वॉज लॉन्च इन, सो ये हुआ था शुरू 2017 सितंबर मंथ में. अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर हैज़ जॉइंटली लॉन्च विच इनिशिएटिव टू हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस. ओके तो ये आपको बताना है कि कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, लाइक इस जॉइंट प्रोजेक्ट का नाम क्या है. सो इस जॉइंट प्रोजेक्ट का नाम है कोलैब CAD. दिस वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके ये कार्ड देना. वर्ल्ड हेमोफीला डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है. हेमोफीला एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्लॉट इजली नहीं बनते. सो 17th अप्रैल इज द करेक्ट आंसर. थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड. कुछ हिस्ट्री है इसके बारे में. ओके द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने IPL को सस्पेंड कर दिया. अब देखते हैं मे भी चांसेस है इस बार सस्पेंड ही हो जाएगा, फुल चांस ऐसे ही लग रहे हैं ड्यू टू COVID-19. तो 39th प्रेजिडेंट कौन है, सौरव गंगोली. ओके अब्दुल लो हैबैब एसाउसाई हैज़ वॉन 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020. सो आपको ये बताना है कि स्पार्टन कोड के लिए इन्होंने जीता प्राइज, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. ही इज़ फ्रॉम अल्जेरिया. द 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज कैंसल्ड, बेसिकली इट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19. सो ये कहाँ पर होनी कहाँ थी, इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन चाइना. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ डिसाइडेड टू वेव ऑफ सर्विसेज चार्ज फॉर ऑल ATM ट्रांजेक्शन अप टू 30 June 2020. सो इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट टाइम कॉइंड द टर्म हेलीकॉप्टर मनी. सो दिस वॉज फर्स्ट टाइम कॉइंड बाय मिल्टन फ्राइडमैन. ओके बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी इज दैट ऑफ टाइप ऑफ मनी जो लोगों को बांटी जाती है, लाइक उनका खर्चा बढ़े, कंजप्शन बढ़े एंड देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बेटर हो. ओके वाज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग्स, किसे अपॉइंट किया गया. सो करेक्ट आंसर इज अजय महाजन. द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टेड एंड इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म नोन एज. सो द करेक्ट आंसर इज सहयोग. जो द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन एडिसन अवार्ड अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द कैंपेन क्लब एनर्जी # स्विच ऑफ स्विच ऑन. सो करेक्ट आंसर इज टाटा पावर. रंजीत चौधरी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. सो ही वॉज रिलेटेड टू एक्टिंग, सो इज एक्टर. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ PTM जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड. सो द करेक्ट आंसर इज विनीत अरोरा. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज टू इंडिया. सो इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ गिवन 6.5 lakh मेडिकल किट्स टू इंडिया विच हेल्प विल रैपिड टेस्टिंग ऑफ COVID-19. एंड ऐसा माना जा रहा है कि डुप्लीकेट माल दिया है चाइना ने, चाइना वाले कभी सुधर नहीं सकते. ओके सो ये इंडिया को दिया था चाइना ने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च YSR निर्माण पोर्टल फॉर स्मूथ सप्लाई ऑफ सीमेंट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मापुसा अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक ऑफ गोवा. सो हु वॉज MD एंड CEO ऑफ दिस बैंक. ड्यू टू इनएडुकेट कैपिटल एंड फंड द लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड. सो शैलेंद्र सावंत इज द करेक्ट आंसर. निर्मला सीतारमन अटेंडेड द वर्चुअल समिट ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नेंस.
सो इट वॉज कंक्लूडेड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया. वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हु हैज रिसेंटली रिजाइंड. सो करेक्ट आंसर इज तमस अजान. Recently, the National Conference on Kharif Crop 2020 was chaired by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Now, you have to answer who is the present Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare. So, the correct answer for this question is Narendra Singh Tomar. Inki constituency hai Morena, Madhya Pradesh. Okay. Worldwide Fund has appointed World Chess Championship Vishwanathan Anand, okay, as a brand ambassador to promote environment education programs. So who is the director general of Worldwide Fund? So the director general is Macro Lambertini. Okay. Next question is, which of the following state has launched SeaGuard to provide home delivery of fruits and vegetable? So this is the initiative by the government of Chhattisgarh, SeaGuard. Which Indian state has launched Mukhyamantri Didi Kitchen Yojana for providing free food to the poor? So this was all launched by Jharkhand government. Dal Bhat scheme was also launched by Jharkhand government. Who has been appointed as a brand ambassador for Crick Kingdom, a cricket academy based in Dubai? So the correct answer is Rohit Sharma. Safety grid campaign has been launched by which bank to encourage people for social distancing while waiting at shop? So this is all launched by the bank HDFC. Okay. Has been given as the additional charge of Mahanagar Telephone Nigam Limited. So kise additional charge de diya gaya? The additional charge has been given to PK Purwar, jo BSNL ke bhi director general hai. Okay, CMD hai. Freedom fighter RV Buskute, inka naam aapko yaad rakhna hai. Former American football player Willie Davis, inka nidhan ho gaya. So ye dono aap yaad rakhenge. Okay. 5-5 to be the mascot for Hangzhou 2020 Asian Para Games, जो 2022 में Para Games, Asian Para Games होने वाले, उसका mascot 5-5 and उसके साथ साथ जो like ये Para Games and जो Asian Games वो भी 2022 में ही होंगे same city में, तो उसके लिए जो mascot है वो है Smart Triplets, वो भी याद रखना. Okay, which of the following country has stopped funding WHO due to coronavirus failure? सो कौन सी कंट्री ने फंडिंग कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध लगा दिया? द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज स्टॉप फंडिंग टू WHO फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कॉन्ट्रोवर्सी. ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ गार्डनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मोस्ट डिजिटली स्किल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? सो विच कंट्री इज द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड? द कंट्री इज अवर कंट्री, यानी कि इंडिया. The central government has decided to provide how much amount in case of miss happening due to COVID-19 for all postal employees? So the central government has decided to give 10 lakh rupees to all government, all postal employees in case of any miss happening due to COVID-19. Which state public union territory has decided launched SS Corona app to door-to-door survey in COVID-19? Like जो भी सारा रिकॉर्ड होगा वो इस ऐप में स्टोर किया जाएगा. फिजिकल रिकॉर्ड करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग क्वारंटीन किए जा सकें. सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय New Delhi government. Okay, recently a new species of green pit viper found in which Indian state who has been named after Slughorn Slytherin, one of the character of Harry Potter? So it has been like discovered by the scientist in Arunachal Pradesh. Recently tribal leader Saharai Oram passed away. Was the former minister from which Indian state? So he was the former minister from Odisha. The Indian High Commissioner has organized a virtual roundtable summit for COVID-19 meetup, meet for businesses, COVID-19 issues, challenges and way. So this was under the presidency of which country? So it was under the presidency of United Kingdom, and it was all headed by India's High Commissioner to United Kingdom, Ruchi Ghanshyam. Yaad rakhna important hai. Recently, TVS Motor Company has acquired which iconic sporting motorcycle brand of UK? So, correct answer is Norton. According to SBI EcoWrap report, what will be the India's GDP in the financial year 2021? So, India's GDP will be 1.1%.
वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर. करेक्ट आंसर इज 18th of April. एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? सो द मोबाइल ऐप दैट हैज बीन लॉन्च इज किसान रथ. द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि एशियन फॉर 2020 इज हेल्ड बाई विच कंट्री? नाउ अर्लियर ये थाईलैंड के पास थी, नाउ इट हैज़ बीन हेल्ड बाय वियतनाम. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट 25 lakh हाउस एड्स टू द पुअर अंडर नवरत्नलू पैंडा लैंड रिकी इलू मीनिंग हाउसेज फॉर ऑल? सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग 25 lakh हाउस एड्स टू द पुअर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड 5.45 स्टेक इन द स्पाइस जेट? सो द कंपनी इज HDFC ट्रस्टी कंपनी. हु हैज बिकम इंडियाज नंबर वन टेनिस प्लेयर इन लेटेस्ट ITTF रैंकिंग? सो द इंडियन प्लेयर हु हैज बिकम द नंबर वन इज शरद कमल फ्रॉम तमिलनाडु एंड इन गेम्स ऑफ वुमेन्स. मनिका बत्रा इज करेक्ट आंसर. ओवरऑल रैंकिंग इज 31st एंड हर रैंकिंग इज 63 एंड ओवरऑल नंबर वन इज फैन Zhangdong from China and in female category Cheng Meng from she's also from China in women's categories at number one. Recently a book based on the life of Indian shuttler PV Sindhu launched titled Shuttling on the Top, the story of PV Sindhu. Who is the author of this book? So the correct answer is V. Krishnaswamy is the correct answer. What is the name of online hackathon which has been launched to overcome COVID-19 pandemic? So the name of this hackathon is Hack the Crisis. Which of the following application has reached 50 million downloads in just 13 days? It has become world fastest downloading application. So the application is Arogya Setu. The Union HRD Ministry clarifies which video calling app is not safe. So the correct answer is Zoom. Which of the following state has launched diagnostic kit named Chitra Gene Lamp N? So it has been developed by Kerala. Which of the following state has launched COVID Madad helpline? So it has been launched by the government of Maharashtra. Which team has been declared winner of I-League season of 2019-2020 as the remaining matches have been cancelled due to COVID-19? So the team which has been declared winner for the year 2020, Mohan Bagan, West Bengal. Which of the following state has launched Project Smile for e-learning? So this is a project to encourage and to promote e-learning. Project Smile is launched by Rajasthan government. So that's all. Now one question for you, aap iska answer kijiyega. Which of the following company has won Edison Award under social innovation category? तो कौन सी कंपनी ने जीता ये आपको मुझे बताना है. सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड रिवाइज हो गया आप लोगों का अच्छे से. एंड आई होप अच्छा लगा वीडियो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा, इससे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. कीप स्माइलिंग.